वन सेकेंड क्लास, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने पेरेंट्स के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज आपका इस ड्राइंग क्लास में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल्स प्लस आपका नेशनल फ्लैग। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं वेजिटेबल। वेजिटेबल में हम बनाने जा रहे हैं टमाटो। टमाटो तो सभी बच्चों को बहुत पसंद आता है ना, तो चलो हम टमाटो बनाने चलते हैं। देखिए बच्चों, पहले मैंने इस तरीके से ये ऐसे ऐसे लाइन डाली है, जैसे आपका जस्ट लाइक ए स्टार हो या फ्लावर हो, इस तरीके से बना लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से लाइन लगानी स्टार्ट करनी है। इसको आप छोटा बड़ा गोल किसी भी तरीके से ओवल बना सकते हैं। और इसको सुंदर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके बना देंगे टू आईज। ये हमने बना दी इसकी टू आईज, नोज बना दिया, और ये इसका बना दिया माउथ। तो चलो हम इसको चलना भी सिखा देते हैं। तो बच्चों, ये हमारा बन गया टमाटो। अब हम बनाते हैं आपके लिए कैरेट। कैरेट भी सभी बच्चों को बहुत पसंद आती है ना, और सर्दियों में तो सब बच्चे अपनी मम्मी से इसका गजरेला बनवा के खाते हैं, या आप उसको कह सकते हैं गाजर का हलवा, वो तो सबको ही बहुत पसंद आता है। तो देखिए बच्चों, आप इसकी लीफ भी बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी भी टू आईज दिखाते हैं। ये इसका बना दिया हमने माउथ, और इसको भी हमने इस तरीके से डांसिंग फिगर इसकी बना दी हमने। अब हम करते हैं इसकी आउटलाइन। एक कैरेट की लाइन अगर किसी बच्चे से ऐसे फ्री हैंड नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्केल से बना लीजिए।
बच्चों, सबसे पहले हम इसके जो लीव्स हैं उन्हें कलर करेंगे ग्रीन कलर। बच्चों अगर किसी के पास रेड कलर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें ऑरेंज कलर भी भर सकते हैं। टमाटर की जैसे आपने शेप बनाई है, सर्कल में बनाई है, तो आपने अपना हाथ भी गोल गोल ही घुमाना है कलरिंग करते समय, और कोशिश करेंगे कि आपका कलर लाइनों से बाहर ना जाए।
अब थोड़ी सी कॉटन लेके आपने इसको स्प्रेड कर देना ताकि ये सारी जगह एक जैसा नजर आए। तो बच्चों ये आपकी वेजिटेबल्स की एक्टिविटी बनके तैयार हो गई है। बच्चों अब हम नेशनल फ्लैग बनाना शुरू करते हैं। आपकी ये इंडिपेंडेंस डे की एक्टिविटी भी है और आपका सिलेबस भी है, तो चलो हम शुरू करते हैं। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो हमें ग्रीन पेपर चलेगा क्योंकि हम क्राफ्ट वर्क का काम इसमें आपको कराना चाह रहे हैं। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप प्लेन पेपर पे, वाइट पेपर पे कलर करके भी बना सकते हैं। इस प्रकार से देखिए मैंने दो ऑरेंज और दो ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स आपकी काट ली हैं और इसमें मैंने दो आपके ये सर्कल काट लिए हैं। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। और मैंने नीचे इसकी ये देखिए नीचे इसका जो स्टैंड बनाना है इस तरीके से मैंने ये स्ट्रिप्स काट ली हैं। आप भी ऐसे पहली बड़ी फिर छोटी इस तरीके से आप भी ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही काट सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसका नीचे बेस तैयार कर लेते हैं जहाँ पे हमने अपने फ्लैग को अटैच करना है। तो इसमें हमने पहले स्ट्रिप पे फैब्रिक को लगाया और इस तरीके से बिल्कुल नीचे पेपर के साथ ला के इस तरीके से आपने सेंटर में इसको पेस्ट कर देना है। फिर हमने अपनी दूसरी स्ट्रिप पे भी फैब्रिक को लगाया इस तरीके से और इसे भी इस तरीके से आपने ला के ऐसे पेस्ट कर देना है। अब हम अपनी तीसरी स्ट्रिप भी इसी तरीके से पेस्ट कर देंगे। तो देखिए बच्चों आपका ये फ्लैग के लिए आपका स्टैंड तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, इसमें आप चाहें तो पहले पेंसिल से लाइन लगा लें, नहीं तो आप डायरेक्ट स्केच पेन से भी लगा सकते हैं फ्लैग के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक सेंटर में एक आप डॉट लगा लीजिए, वहाँ पे आपने अपने स्केल को रखना है उस डॉट के ऊपर और इस तरीके से लाइन लगा देनी है। अब इसी तरीके से आपने दूसरी तरफ भी अपनी लाइन लगानी है। ठीक है बच्चों, अब हमने ये दो लाइनें लगा लिया, अब इसको आप डबल कर दीजिए। इसको भी डबल कर दीजिए
अब आपने सबसे पहले ऑरेंज स्टिक पे फेविकोल लगाना है और आपने इस तरीके से ला के अपनी स्टिक को ऐसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दूसरी स्टिक लेंगे ग्रीन कलर की, इक्वल स्पेस आपने छोड़ना है, यहाँ पे वाइट स्पेस भी आपने इतना ही छोड़ना है जितने आपने ये दो स्ट्रिप्स काटी हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपने ये ब्लू पेपर पेस्ट कर देना। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी करेंगे। भी आपने इसी तरीके से ब्लू सर्कल लगा देना है। अब आप क्या करेंगे तो बच्चों, आपकी ये नेशनल फ्लैग की एक्टिविटी बनके कंप्लीट हो गई है। अब आप इसको बनाएंगे और अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। मुझे आशा है आप सबको ये पसंद आई होगी। थैंक यू।